तो दो बड़ी चीजें हुई, एक तो यह है कि जो कानून वापसी लिया भारत सरकार ने, उस पर संयुक्त मोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून ने वापसी लिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है, तो जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे 29 तारीख का वह भी वापसी ले लिया है, और 4 तारीख को हमारी फेयर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की, तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून है ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया, जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब नहीं दिया, और MSP जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी MSP पे मत बोलो, क्योंकि MSP ही सबसे ज्यादा लूट MSP पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है, वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि MSP को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर है। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि MSP पे लीगल गारंटी हमको कानून बना के दे दे। इसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो दूसरे मामले होंगे, वो चाहे सीड बिल का हो, पेस्टिसाइड बिल का हो, वो दूध डेयरी वाला प्लान हो, या KCC वाला मामला हो, जो भी भारत सरकार के साथ में हो और बातचीत किसान की होनी है, उस पर एक कमेटी गठन कर दे जो दूसरे मामलों को, इनसे अलग मामलों को देखेगी। ये अभी हमारी डिमांड भारत सरकार से है, उस पर जितना जल्दी वे फैसला ले ले उतना ठीक है, नहीं तो बादस्तूर हमारे आंदोलन उसी सिस्टम से जारी है जैसे हमारे आंदोलन पहले चले हुए थे, उसमें कोई भी हमारा चेंजिंग नहीं है। 29 तारीख वाला सिर्फ हमने चेंज करा है, और 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग फिर सिंगू बॉर्डर पर होगी, आगे के प्रोग्राम हम उसमें बनाएंगे। यहाँ के लोग उसे भी हैं कि जैसे आप सहयोग पहले से करते हुए आ रहे, वही लंगर भंडारों का गुरुद्वारों से, आम लोगों से, आम समाज से, उसी सिस्टम से उसको चलाते रहे। जैसे जत्थेबंदी पहले जा रही थी उसी सिस्टम से रूटीन वाइज जत्थेबंदी जाती रहे, ज्यादा भीड़ एक बार इकट्ठी वहां नहीं करनी है, क्योंकि भीड़ से यह होता है कि एक दिन इकट्ठी करती है और भीड़ वापसी आती है तो ये लगता है कि भीड़ वापसी चली गई। रूटीन के हिसाब से जैसे आपके चल रहे वो अपने प्रोग्राम, 1-2 महीने के प्रोग्राम, 1 महीने का प्रोग्राम उसी सिस्टम से आप लगा ले पूरे दिसंबर तक के, फिर 1-1 महीने के जैसे रूटीन के लगते हैं लग जाएंगे। और हमारे साथी यहाँ पे हैं, अब हरिंदर जी हैं, हरिंदर लाखोवाल जी जो अपने प्रेसिडेंट हैं, आगे पंजाब के भी हैं, अपने और लोग हैं और संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं, वे अपनी बात बताएंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा जिससे भी होगा वो उस क्वेश्चन का जवाब दे देगा आप। आसिफ, हाँ जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मोदी से मिले हैं, बारे में जो सरकार कह रही, कल ओम प्रकाश कह रहे थे कि MSP पर कानून नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो पहले ही 40 साल से जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा। वो ये बताए ना भारत सरकार के, आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? आप जो 3 कानून बनाओगे उसमें कहते हैं कि हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान के फायदे कानून है। किसान ने तो एक ही चीज कहा कि जो भारत सरकार ने MSP कहा उसको गारंटी कानून बना, ये भारत सरकार ही MSP देगी। लेकिन हम इनके जवान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान। अरे इनका जो यो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चला गया, इस गैंग में कौन कौन शामिल है, ये गैंग है इनका, गैंग का पता तो अभी चला गया। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल है। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पर होता था और वो खेत पे ही अनाज पर जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं ये। गैंग, गैंग जोन से MSP का विरोध करेगा वो गैंग है, जो भी MSP का विरोध करेगा वो गैंग में शामिल है। जब हमको गैंग बता सकते हैं तो ये भी गैंग है। इसमें आपको गैंग लग रहा है कि यूपी की जो विधानसभा चुनाव आने वाली है, चुनाव करेंगे अगर अगर ये फैसला लिया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुर्सी ना निकल जाए। चलो वो उन्होंने जितना काम कर दिया
उसको कर दे दो। वो कैसे कर दिया, किस हुनर से कर दिया? नहीं वही डर था, डर अरे क्या पता क्या डर था, किसी को डर भागते के पीछे नहीं भागते हम, जो भाग गया छोड़ कर मैदान उसके पीछे नहीं भागते। साहब आपका प्रदेश जिस तरह बात हो रही है, बड़ी लड़ाई आपने जीती, कोई देश स्तर पर पहले तो आपने विरोध, या अभी कहां लड़ाई जीती, या एक कोरोना और तीन काले कानून एक बीमारी थी, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, या डेढ़ साल में बीमारी आई डेढ़ साल में खत्म होगी, या कोई पुरानी नहीं थी, कोरोना के साथ आई, कोरोना के साथ में सबने जंग लड़ी, इस बीमारी के साथ में भी जंग लड़ी। सवाल ये है कि कब तक आपको लगता है कि सरकार अब इससे आगे जो किसानों को जो आपका जो प्रदर्शन है दोनों उसको जहाँ सड़क खाली करवाने, तो कब तक सरकार और करवा दो खाली सड़क, हम क्या मैंने कर रहे, करवाओ खाली सड़क, उसके आपने उनको क्या डेडलाइन दी? हमने कोई डेडलाइन नहीं देते, हमने डेडलाइन देनी छोड़ दी उनको। बातचीत का कोई प्रस्ताव आया उधर से आया? प्रस्ताव आया नहीं भाई, हमने चिट्ठी भेज रखी हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते, वे चाहते हैं कि किसानों को बदनाम करके किसानों से कोई बातचीत ना करें और इनको ऐसे ही घर भेज दो। सर सीधे लफ्जों में कहें तो क्या अगर 29 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जारी रहेगा? हाँ, जो भाषा है, कौन से स्कूल में एक ही ट्रेनिंग ले रखी सबने? नहीं जो हमने कहा बात सुन लो फिर, MSP एक बीमारी या एक बीमारी थे तीन काले कानून, वो बीमारी खत्म होगी। धरना जो है, धरना किसान के मुद्दों के लिए है। 10 दिन चैनल वालों पे प्रोग्राम चलेगा, उसके लिए पूरा देश का किसान तैयार रहना। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कानून खत्म हो गए, किसान घर वापसी नहीं जा रहा, कानून खत्म हो गए वापसी नहीं जा रहा, इसका जवाब हमारा मौन व्रत रहेगा। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हम मौन व्रत करेंगे, और कोई इलाज नहीं है भाई। सवाल है इससे जुड़ा, हाँ बताओ। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी कि इसमें जो है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमिस्ट कोई खेती कर रहा है क्या? जो इकोनॉमिस्ट सातवीं मंजिल पर बैठ के देश के किसान के भाग्य का फैसला करता हो उसको नहीं मानने हैं? कहाँ है वे इकोनॉमिस्ट वाले, उन्हें बुलवाओ, उनसे बात करेंगे हम। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहेगी? पहले पंजाब में बाइकआउट करने का ऐलान किया गया था। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे हम क्या रहेगी। जो आशीष जो लखीमपुर खीरी कांड में है उनको आपने कहा कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, लेकिन वो अभी भी पीएम उस पर कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, बात नहीं कर रहे कोई तो, क्या उसके? तो उसके लिए ही तो ये हर जगह जो देश में चर्चा होती है, यहाँ पे भी हम आए तो उसका नाम आया कि उसको बर्खास्त करो, तो नहीं वे करेंगे जब तक वो नहीं होगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा लखीमपुर को, तो हमेशा उसका नाम लिया जाता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से MSP को छोड़ के, एक MSP बहुत बड़ा मुद्दा है वो मान लिया, इसके अलावा कुछ और संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई प्लान बनाया है किसानी के लिए कि जिससे कि किसान जो है कुछ हाल हो सके? जैसे अमृतसर की अगर बात करें, बॉर्डर की, बॉर्डर के यहाँ पे खुल जाता है तो यहाँ से टमाटर सब्जी और जो चीजें हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी उसको खोलने को तैयार नहीं है। सुरक्षा तो नमक भी बंद कर दो भाई, नमक क्यों आ रहा है वहां से? सेंधा नमक सारा वो पाकिस्तान का खा रहे, उसको भी बंद कर दे, वो भी तो आ ही रहा है ना। मतलब हमारे किसान का टमाटर नहीं जा सकता, यहाँ से जो सब्जी वो जा सकती वो बंद है, लेकिन वहां से सामान आ सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां को फायदा देना चाह रहे और अपने किसान को नुकसान देना चाह रहे? यही तो हम कह रहे हैं कि अपने देश के किसानों को बीजेपी मारना चाहती है, इनकी जमीनों को छीनना चाहती है। वो एक बड़ा प्लान है कि ये किसान जमीन से तंग आके अपनी जमीन बेच दे, ठेके पे दे दे और बड़ी कंपनी यहाँ पे खेती करे, यही तो प्लान है। पाकिस्तान की जनता को फायदा होगा, मोदी सरकार की ये प्लान है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान का फल फ्रूट वो वहां ना जा सके, तो इसलिए रोक है। जो पराली का मुद्दा जिससे अपराध माना जाए, अपराध मुक्त किया गया, उन्होंने बयान दिया। अरे दे दिया होगा, जब हमने तो ये कहा था ना उनको कि आप बगैर पराली के चावल कैसे पैदा होता है वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको, उसके उस पर उन्होंने दे दिया बयान। एक बॉर्डर के बाहर 21,600 एकड़ जमीन है, 4 साल से उनका मुआवजा पेंडिंग है, वो पंजाब के जो बॉर्डर एरिया के किसान काफी दिल्ली भी गए थे, इस विषय पे कोई केंद्र से बात हुई? क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट बन गई है उसमें। ये था कि जब संयुक्त जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले इन किसानों की बातचीत होनी थी होम मिनिस्टर से,
बीच में ये आंदोलन छिड़ गया और उस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई। ये जैसे ही ये इशू आएगा या भारत सरकार बातचीत करेगी तो ये इशू हमारी प्रायोरिटी पे है। और पहले भी ये किसान आए थे जो जम्मू कश्मीर के आसपास के किसान थे, वे किसान हमारे पास में आए थे और इसी तरह की प्रॉब्लम पूरे बॉर्डर क्षेत्र में होगी। सर, प्रधानमंत्री का जब भाषण हुआ था उन्होंने ये कहा था कि कुछ अलगाववादी ताकतें जो है इस आंदोलन के अंदर है, क्या लगता है कि अलगाववादी ताकतों को लेकर इस तरह का डिसीजन लिया गया? नहीं, कहाँ है वे ताकते भाई, पकड़ो ना उनको। प्रधानमंत्री जी ने बोला हार, प्रधानमंत्री भाई पकड़ो ना, कहाँ है वे? सर, किसान जो शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा, किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को क्या मतलब जो है उनकी तरफ से जो है जोर डाला जा रहा है उनको लिए मांग करी कि उनको कंपनसेशन दे। वो जब बातचीत होगी जब भारत सरकार और संयुक्त मोर्चा आपस में बैठेगा। भारत सरकार तो बात ही करने को तैयार नहीं है ना अभी। आप प्रेस के जरिए तो अपनी बात रख सकते हो ना? हम तो कह रहे हैं ना कि भारत सरकार बातचीत करे, एक उसका वो तय करे, एक रूपरेखा मॉडल एक तैयार करे। यादगार बनाने की मांग की, यादगार बनाने की बात करी। जमीन हम चाहते हैं कि भारत सरकार जमीन दे और उनका एक स्मारक वहां पर बनाए।